हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में तीन अक्षर से बने हुए कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, मिलाकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उनसे संबंधित आपको 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखना है, दिन दिनांक गृह कार्य के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूंगी, उसके बाद आपको लिखना अपने से है। मैंने आपको ये आपका रिविजन वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कॉपी में कैसे राइट करना है। तो चलिए आइए हम इसे पढ़ते हैं। छलक 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 झपट 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 कपट कपट तड़क तड़क भड़क भड़क अकड़ बदन बदन सनक सनक भनक भनक कनक कनक झनक झनक अचल अचल सचल सचल अमर अमर रहम रहम नरम नरम गरम गरम धरम धरम उमस उमस धड़क धड़क उड़द उड़द रईस रईस सईद सईद नईम नईम शटर शटर गटर गटर जहर जहर लहर लहर ठहर ठहर पहर पहर। मैंने आपको तीन अक्षर से बने हुए शब्द को पढ़ना बताया, आपको अपनी कॉपी में दिन दिनांक राइट करना है। ठीक है, एक साइड आप दिन लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे। ठीक, उसके बाद गृह कार्य। ठीक है, गृहकार लिखने के बाद तीन अक्षर से बने 10 शब्द लिखिए। तीन अक्षर से, सॉरी यहां थोड़ा गंदा हो जा रहा है स्पेस ना होने की वजह से, बने 10 10 ओ सॉरी 10 शब्द। लिखिए। ओके, पहले आप इस तरह से लिख कर उसके बाद जो शब्दों को मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं में से आपको 10 शब्द लिखने हैं और उनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, एंड आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट करना है, अच्छे से साफ और सुंदर लेख में आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।